नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून रविवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। शादी के बाद विदा होकर ससुराल जा रही नवविवाहिता ने नदी में छलांग लगा दी। सवाई माधोपुर के खंडार में यह घटना हुई। नवविवाहिता विदाई के बाद ससुराल जा रही थी कि जी घबराने और उल्टी आने की बात कहकर कार को रुकवा लिया। दुल्हन ने पुलिया के पास अचानक रेलिंग पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। यह छलांग चंबल पर बने पुल से लगाई। पर्यटक वोट से दुल्हन की तलाश की जा रही है। मौके पर खंडार थाना पुलिस पहुंची हुई है। विदेशी मुद्रा बदलने के नाम पर 5 लाख रुपए हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। जयपुर के गलता गेट थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया गया है कि विदेशी मुद्रा बदलने के नाम पर एक व्यक्ति ने उनसे 5 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में पिता के ही द्वारा 11 माह की मासूम बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया है। यह मामला बांसवाड़ा से है। यहां ससुराल गई पत्नी को लेने के लिए शराब पीकर पति गया था, लेकिन पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर शराबी पिता ने 11 माह की बच्ची को उठाकर आंगन में फेंक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा में यह वारदात हुई। यहां पुरानी रंजिश को लेकर लोसिंग बस स्टैंड पर खूनी खेल खेला गया। यहां बाइक सवार युवकों ने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। घटनास्थल पर पुलिस मामले की जाँच के लिए पहुंची हुई है। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को पोल से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। यह मामला सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के 17 मील गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले दोनों युवक युवती एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह प्यार परिजनों को रास नहीं आया, जिसके चलते युवक को पोल से बांधकर जमकर पीटा गया। बाद में बड़े बुजुर्गों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह आग जैसलमेर के गड़ीसर चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर में लगी। स्पार्किंग होने से करंट के तार सड़क पर गिर गए। तार गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं कई राहगीर घटना से बाल बाल बच गए। ठगों ने अब पुलिस और नेताओं को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाली में एक छाते ठग ने थाना अधिकारी का ही फोन हैक कर बिलाड़ा पालिका अध्यक्ष से 7 लाख रुपए की मांग कर डाली। ठग सुरेश धांची 50 से अधिक लोगों से ठगी कर चुका है। कई पुलिस अधिकारी नेताओं के नाम से इसके द्वारा रुपए ऐंठे गए हैं। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से युवक युवती की हालत बिगड़ गई। यह घटना जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है। विषाक्त पीने से युवक युवती को स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए लाया गया, जहाँ युवती ने दम तोड़ दिया, जबकि युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर किया गया है। दोनों युवक युवती लाठी गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री गंगानगर में कल शनिवार रात्रि जवाहर नगर से एक ज्वेलर्स के हाथ से बैग छीनकर एक युवक फरार हो गया। स्वामी दयानंद मार्ग स्थित गणपति ज्वेलर्स के मालिक संजय अग्रवाल शोरूम से अपने जवाहर नगर सेक्टर 8 में स्थित मकान पर पहुंचे थे कि कार से जैसे ही उतरे तो उनके हाथ से एक युवक बैग छीनकर फरार हो गया। तत्परता से युवक का पीछा कर उसे पकड़कर जवाहर नगर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।